हेलो 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 सो कैसे सारे जी हाँ, हमने आपके लाई है आपकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी। बहुत लंबे टाइम से सारे मैसेज कर रहे थे, बोले थे मैम केक तो बना रहे हो, मज़ा आ रही है, लेकिन कुछ अलग कर दो। तो इस बार हमने आपके लिए लाया है कुकी केक। जी हाँ, कुकी केक। कुकी केक जो है बहुत स्पेशल है, बिकॉज आप इससे आप अपनी नॉर्मल कुकीज़ भी बना सकते हो, प्लस केक स्टाइल कुकीज़ भी बना सकते हो। तो आज हम बनाएंगे न्यूट्रेला स्टफ कुकीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कुकी केक बनाना। जी हाँ, न्यूट्रेला स्टफ कुकी है, सेंटर में से न्यूट्रेला निकलेगा, ऊपर कुकी का बेस है। एंड आपको पता है कितना ईजी है बनाना, तो ये हमने ले लिया है बटर। बटर के स्पून तो लगेंगे, दो मिनट, ये हमने ले लिया स्पैचुला, ठीक है। और बटर कैसा लेना है पता है आपको, सॉफ्ट एंड बटर, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए बटर और ना ही मेल्ट, इट शुड बी सॉफ्ट एंड बटर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये ही ना मैम, तो सारे बटर डाले जा रहे हैं लेकिन हमें तो क्वांटिटी बता नहीं रहे। हर बार लड़कियां कंफ्यूज होती है, मैम आप क्वांटिटी नहीं बताते, तो नीचे कैप्शन में दी होती है ना क्वांटिटी, पढ़ो ना, क्यों कन्फ्यूज होते हो। हमने ले लिया बटर, ये हमने ले लिया ब्राउन शुगर, दोनों को हमने कर लिया कंबाइन। आपको पता है कुकी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं अपने क्लास में भी स्टूडेंट्स को यही चीज समझाती हूँ, कोई भी कुकी रेसिपी हो, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना बटर एंड ब्राउन शुगर को बीट करने का, ये जितना अच्छे से करोगे ना आपकी कुकीज इतनी अच्छी होगी। बेसिकली इट्स कॉल्ड अ क्रीमिंग टेक्निक, ठीक है। और उसके बाद जब एक बार आप फ्लावर ऐड कर देते हो, अपना वाटर, सॉरी नॉट वाटर, मिल्क ऐड कर देते हो, सारे दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करते हो ना, तब आप उसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं कर सकते हो, हाथ से ही मिक्सिंग करनी रहती है, क्योंकि कुकीज़ में हमें ग्लूटेन नहीं क्रिएट करना। और जब आटा और मिल्क या कोई भी वेट इंग्रेडिएंट साथ में बहुत ज़्यादा बीट किया जाए ना, तो ग्लूटेन क्रिएट हो जाता है। सो ग्लूटेन किस रेसिपी के लिए अच्छा होता है आपको पता है, एनीवन हैज एन आइडिया? अगर है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको कुकीज़ के लिए तो ग्लूटेन बिल्कुल नहीं अच्छा होता, पर किस रेसिपी के लिए अच्छा होता है, मैं इन फ्यूचर अगर उससे रिलेटेड रेसिपीज बनाई तो ज़रूर आपको बताऊंगी। या फिर आपको इसमें से किसी को पता है कि ग्लूटेन किस रेसिपी में अच्छा रहता है क्रिएट करना, तो कमेंट में बताइए। सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बीट कर लेंगे हमारा ब्राउन शुगर एंड बटर फॉर 1 to 2 मिनट अंटिल इट्स कम्बाइंड वेल, क्योंकि जितना भी बीटिंग करना है यही करना है। ये हमने बीट करना शुरू कर दिया है ऑन 1 नंबर स्पीड। 1 नंबर स्पीड इसलिए हमने रखी है ताकि चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए, क्योंकि हाई स्पीड में क्या होता है बहुत उड़ने लगता है सारा, एक बार कंबाइन हो जाए फिर हम हाई स्पीड रख लेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मैम 1 नंबर स्पीड पे अगर हम बीट करेंगे तो कोई लॉजिक है? लॉजिक ये है कि चीज़ें ईजी कंबाइन हो जाए फिर हम हाई स्पीड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन शुगर एंड बटर को अच्छे से क्रीम कर लिया है, एंड कैन यू सी कितना अच्छे से कंबाइन हो चुका है, बटर फ्लफी हो चुका है। सो चलिए लेट्स ऐड अवर रेस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट, तो थोड़ा करीब आइए। सो ये हमने ऐड कर दिया फ्लावर, जी हाँ दिस इज अवर मैदा, हमने ऐड कर दिया है मैदा, ये हमने ऐड कर दिया कॉर्नफ्लावर, ये गया कॉर्नफ्लावर, ये गया हमारा बेकिंग सोडा, ये गया हमारा सॉल्ट। आप लोग देख रहे होंगे कि ये पिंक सॉल्ट है, क्योंकि आप पिंक सॉल्ट यूज़ करना ज़रूरी है। जी मेरे स्टूडियो पे अवेलेबल है पिंक सॉल्ट, इसके लिए मैंने ऐड कर दिया, पिंक सॉल्ट कोई ज़रूरी नहीं है। और ये हमने ऐड कर दिया हमारा वेनिला एसेंस। सो लेट्स स्टार्ट कंबाइनिंग दिस ऑल। इससे पहले हम हमारे हाथ में से रिंग उतार लेंगे, बिकॉज यू नो कंबाइन करने में सेफ नहीं है, नीट नहीं है, यू नो हाइजीन नहीं रहता। तो हम रिंग को हटा दिए एंड लेट्स स्टार्ट कंबाइनिंग इट। सो यू हैव टू मेक श्योर व्हेनेवर यू आर वर्किंग योर हैंड्स आर वॉश, यू आर वर्किंग विद अ विदाउट ज्वेलरी। अब ब्रेसलेट है जो कि अंदर नहीं जाता, तो वी आर वेरिंग वॉच है जो मुझे आदत है, लेकिन रिंग एनी हाउ आप गूंदोगे आटा या कोई भी चीज़ बना रहे हो, नीडिंग कर रहे हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिंग एंड ऑल हटा दिया करो, ठीक है। ये देखिए हमने अच्छे से कंबाइन कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ना स्टेज पे हम क्यों मशीन यूज़ नहीं कर रहे। सो एज आई सेड इन स्टार्ट ऑफ माय वीडियो, हमें ग्लूटेन नहीं क्रिएट करना फॉर अवर कुकीज़। सो हम हाथ से कंबाइन कर लेंगे तो ग्लूटेन क्रिएट नहीं होगा। अभी आप लोग देख रहे हो टेबल पे हमारा पड़ा है मिल्क, हमने ऐड नहीं किया अब तक। रीज़न है पहले बटर एंड हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट का क्रम्बल क्रिएट कर ले। और जो मिल्क है ना, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है 50 to 60 ml, लेकिन पूरा मिल्क नहीं डालेंगे हम। हम सिर्फ अप्रॉक्स 50 to 60 ml मिल्क रखते हैं साथ में। मिल्क डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे, जितनी ज़रूरत लगेगी उतना ही मिल्क लेना है हमें, ज़्यादा मिल्क नहीं लेना है,
कि एक अच्छा सा डो बन जाए। मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ, देखो ये हैंड क्लीन है, ये हाथ पे हमने बनाया है, इस हैंड से मैं आपको टच करके टेक्सचर बताऊंगी कि कितना ड्राई होना चाहिए। ये देखिए, आई विल शो यू, कैन यू सी, मैं मेरे डो को टच कर रही हूँ क्लीन हाथ से, डो चिपक नहीं रहा। ये हाथ पे डो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इससे हमने बनाया है। ये देखिए, आई विल शो यू, ये देखिए, आई कैन इवन प्ले एंड देयर इज नो स्टिकीनेस। तो जो मिल्क बचा हुआ है, आई विल नॉट ऐड, मुझे एक बार सिर्फ एक कंबाइंड टेक्सचर मिल गया, वी आर डन, गुड टू गो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सो ये हमारा डो रेडी है एंड आपने देखा ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, ऐसा रेडी हो चुका है। नाउ टाइम टू ऐड अवर चोको चिप्स। ये हमने ऐड कर दिया हमारे चोको चिप्स, अब इसको हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। एंड जी हाँ, मैंने यूज किए प्योर चॉकलेट के चोको चिप्स, आप चाहिए तो नॉर्मल कंपाउंड को चॉप करके भी डाल सकते हैं, या फिर जो कंपाउंड के चिप्स मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सी ऐसा है ना कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे तो जरूरी नहीं कि हम प्योर ही चॉकलेट डालें तभी अच्छा बनेगा। प्योर चॉकलेट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन बन जरूर जाता है कंपाउंड चॉकलेट से भी। लेकिन आप अंडर बजट घर में बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, इतना महंगा चॉकलेट स्टार्ट में नहीं लाना चाहते, यू कैन डेफिनेटली मेक विद अ कंपाउंड। बट यू विल आस्क मी, मैम आपको क्या पसंद है, ज्यादा क्या अच्छा टेस्ट करता है? तो भैया हमारा जो पर्सनल फेवरेट प्योर है, इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो चलिए कंबाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे से सारों को कंबाइन कर लिया है चोको चिप्स डालकर, हमारी पिज्ज़ा कुकीज़ बन रही है चोको चिप्स स्टाइल। क्या सही लगेगा ना, इमेजिन इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, सेंटर स्टफ विथ न्यूटेला। बट कुकीज़ का इम्पॉर्टेंट टेक्निक, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कुकीज़ डो को हमेशा क्लीन रैप करके मिनिमम फॉर 2 आवर फ्रिज में रखना है, आफ्टर डैट ओनली यू कैन मेक योर कुकी डो। सो ये चीज़ कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना, और मिनिमम 2 आवर्स फ्रिज में जाएगा, मैक्सिमम आप 1 डे भी रख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कीप इट फॉर 2 आवर्स एंड 2 आवर्स बाद हम इसको फिर से आगे का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ये मैंने ले लिया है क्लिंग रैप, आपके पास क्लिंग रैप ना भी हो तो आप नॉर्मल बाउल को भी ढक के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्लिंग रैप हो तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स मीट आफ्टर 2 आवर्स एंड हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सो ये हमारे कुकी डो को 2 आवर्स हो चुके हैं और यहाँ हमने ले लिया है एक बाउल में 200 ग्राम्स ऑफ न्यूटेला, और यहाँ हमारे पास फॉइल पेपर एंड 6 इंचेस का रिंग। तो चलिए पहले रिंग के कवर कर लेते हैं विद फॉइल पेपर। हम साइड से अच्छे से कवर कर लेंगे, रैप कर लेंगे रिंग को। ये देखिए, अब इसको हम एक फ्रेम पे रख लेंगे रिंग को, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन अवर डो। सो ये हमने हमारे डो को ओपन कर लिया है और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इक्वली, ठीक है। सो चलिए अब हम एक पार्ट को क्या करेंगे, ट्रे में अरेंज करेंगे। कम क्लोजर, आई विल शो यू। सो ये देखिए, एक पार्ट को हमने नीचे डाल दिया है और इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करके स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। हम ट्रे में इसको ऑल ओवर अच्छे से प्रेस करते हुए विल अरेंज दिस, थोड़ा सा हाथ से भी कर लेंगे ताकि एक अच्छे सा बिल्टअप हो जाए साइड वॉल्स भी, ताकि हम सेंटर में न्यूट्रेला फिल डाल सकें, ठीक है। ये बेसिकली हमारी पिज्ज़ा कुकीज़ है, न्यूट्रेला स्टफ पिज्ज़ा कुकीज़, जी हाँ। सो नाउ ये हो गया, नाउ लेट्स पॉर न्यूट्रेला इनटू दिस। ये हमारा लोअर बेस रेडी है फॉर न्यूट्रेला कुकीज़, अब हम सेंटर में न्यूट्रेला फिल कर देंगे। सोचिए कितना ज़्यादा न्यूट्रेला ओज आउट होके आने वाला है, हमने इतना सारा फिल किया है सेंटर में, इट्स गोना टेस्ट सुपर्ब। ये हमने सेंटर में न्यूट्रेला डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, टॉप लेयर में हम यूज़ करेंगे हाफ पार्ट ऑफ दिस कुकी का डो, पर हम इसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम पहले इसको फ्लैटन कर लेंगे बाय यूजिंग अ रोलिंग पिन। इसको हमने देखिए ऐसे कवर कर लिया है एंड इसके ऊपर हम रोलिंग पिन से फ्लैट करेंगे। ये देखिए, हमने रोलिंग पिन से इसको थोड़ा सा फैला लिया है ताकि हम इसको अंदर डाल पाए। नाउ व्हाट विल डू, हाथ से इसको अरेंज करना है, पहले रोलिंग पिन से किया, अब हाथ से इसको हम ऐसे पूरा एक राउंड शीट जैसे कर लेंगे ताकि हम डायरेक्ट उसको उसके ऊपर डाल सके। सो लेट्स टेक इट आउट, हमने डिस्क रेडी कर लिया है एंड लेट्स पुट दिस इनटू आवर न्यूट्रेला कुकीज। ये देखिए, ये हम अंदर डाल देंगे इसको एंड बेसिकली दिस विल बी, यू कैन कॉल अप न्यूट्रेला पिज्ज़ा कुकी, यू कैन कॉल इट एज अ पिज्ज़ा केक,
आप इसको सारे नाम दे सकते हो जो आपको अच्छे लगे, एंड आप टॉपिंग में थोड़े से चोको चिप्स भी लगा सकते हो और भी ज़्यादा यू वॉन्ट टू एड। आई शो यू हाउ, वेट। अब हम टॉपिंग कर लेंगे विथ सम चोको चिप्स। आप डार्क चॉकलेट डालिए, मिल्क डालिए, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। सिंपली यू कैन जस्ट डू द टॉपिंग। एंड नाउ विल पुट इट इन टू द ओवन एंड विल बेक इट फॉर 30 to 35 minutes ऑन बोथ रॉड। दोनों रॉड ऑन करने, 180 degree पर रखना है एंड 30 to 35 minutes के लिए बेक करना है। लेट्स बेक। सो ये हमारी कुकीज बेक हो चुकी है एंड लेट्स डीमोल्ड। इट्स वेरी डेलिकेट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप ट्रे को अच्छे से डस्ट कर लो या बटर पेपर यूज कर लो तो इट विल बी मोर इजी टू वर्क विद। आई प्रेफर बटर पेपर यूज कर लो। मेरे पास आज बटर पेपर खत्म हो गया था इसलिए मैंने इसके साइड्स पर बटर पेपर नहीं लगाया, बट इफ यू यूज इट विल बी मोर इजी। सो आइए क्लोजर आइए, मैं आपको कट करके बताती हूँ। सो ये देखिए, ये हमारी सेंटर फिल्ड कुकीज है जो कि बन के रेडी हो गई है। एंड कैन यू सी दिस न्यूट्रलाइज ऊजिंग आउट। ये देखिए, देख रहे हो इतना न्यूट्रला वाली कुकीज़ देखी है क्या? आपके घर में अगर आप अपने बच्चे लोगों को इतनी ज़्यादा न्यूट्रला वाली कुकीज़ बना के दोगे, आप सेंटर में चॉकलेट भी फिल कर सकते हो। एंड लुक एट द टेक्सचर, ये देखिए न्यूट्रला ऊजिंग कुकीज़ लुक्स नाइस। ये है हमारी न्यूट्रला प्लस कुकी क्रंच कुकीज़। सो आप भी घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसी बनी।